स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नोटिस भेजा है कि क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी है वो 1960s में ये बनी थी और दोनों कंट्रीज ने उस पर साइन किए थे और तब से लेके आज तक उसमें कोई बदलाव मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। और जो टर्म्स थे उस ट्रीटी के, इंडिया चाहता है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो क्योंकि हम जो डैम्स बना रहे हैं हमारे साइड की कश्मीर में या जम्मू में, तो पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। हालांकि ट्रीटी में ये प्रावधान था कि इंडिया डैम्स या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है उस रिवर्स पे तो वो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान शायद नहीं मान रहा है इस बात पे। तो समझते हैं आज के वर्ल्ड अफेयर्स के प्रशंसक से कि ये पूरा मामला क्या है, और देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे एडमिट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्या जब मैंने इस न्यूज के बारे में पहले पढ़ा, आई वॉज शॉक्ड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत फाइनली इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, मगर आई थिंक अब टाइम आ चुका था। और देखो, समय अनुसार जो आप कदम उठाते हो ना, उसका इम्पैक्ट होता है सबसे ज्यादा। और इंडिया ने फाइनली इतिहास में पहली बार आजादी से लेकर अब तक, मैं कहूंगा ये पहला इंसिडेंट है जब इंडिया ने डायरेक्टली एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और ये कहा है कि पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक्शंस हैव फोर्स्ड अस टू डू दिस। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप है। अगर 90 डेज के अंदर पाकिस्तान ने ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बिल्कुल पाकिस्तान को पानी की काफी कमी आ सकती है, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार है टू मॉडिफाई द 1960s इंडस वाटर ट्रीटी। ये हिस्टोरिक होगा, दिस विल बी एब्सोल्युटली हिस्टोरिक। नाउ यहाँ पर आप कहोगे वेट वेट, अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कि ये इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या, इंडिया अब अचानक से यहाँ पर बदलाव की क्यों बात कर रहा है, सब कुछ समझाता हूँ आपको बहुत ही सरल भाषा में। नाउ अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को देखें, ट्रीटी का मतलब होता है संधि। दुनिया में आप देखो तो बहुत बार ट्रीटी साइन करी गई है कंट्रीज द्वारा और ट्रीटीज तोड़ी भी जाती है, कंट्रीज ट्रीटीज तोड़कर वॉर करती है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट करी थी तब बताया गया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई का वायलेशन कर दिया गया है, मगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, इसको कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी का वायलेशन नहीं किया। इंडिया ने पहली बात तो बहुत ही उदारता से 1960 में बहुत सारी नदियों का कंट्रोल दे दिया पाकिस्तान को, बहुत सारा पानी दे दिया पाकिस्तान को इस संधि के अंदर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर चार बार वॉर करी। पहली जो वॉर थी द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, वो ट्रीटी से पहले की थी, मगर संधि साइन करने के बाद पाकिस्तान ने चार बार हमला किया भारत पर। हमने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, जबकि अगर हम चाहते ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे सारी नदियां हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सब का पानी अच्छे से रोककर पाकिस्तान को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते थे। न्यूक्लियर बॉम्ब भी का डैमेज करता, जो ये डैमेज हम यहाँ पर कर देते, पानी के बिना देखिए एक बड़ी आबादी सरवाइव नहीं कर सकती। और ये जो मैप आपके सामने है, ये देखकर आप समझ भी गए होंगे कि पाकिस्तान कश्मीर के पीछे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, पाकिस्तान क्यों चाहता है कश्मीर की टेरिटरी, क्योंकि कश्मीर से होकर ही बहुत सारी नदियां जाती हैं पाकिस्तान में। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान कंट्रोल कर लेता है पूरे कश्मीर को, तो पाकिस्तान की जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, इनको कभी भी खतरा नहीं होगा कि इनका जो पानी है ये रुकेगा नहीं। नाउ हम लोगों ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के इस डर को मिटाने के लिए ना दुनिया भर की कंसेशन दे दी पाकिस्तान को। 1960 में उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान बैठे, इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई और इंडिया ने कहा कि देखो जो वेस्टर्न रिवर्स है चेनाब, झेलम, इंडस, यहाँ पे जो टोटल कंट्रोल है ये हम देते हैं पाकिस्तान को, जो बाकी नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, उसमें भारत का कंट्रोल होगा, मगर तब भी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन रेस करने का हक होगा कि अगर मान लो कल को इंडिया कोई बड़ा डैम बना रहा है, बड़ा पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस पर पाकिस्तान कमेंट कर सकता है, दोनों कंट्रीज मिलकर बातचीत कर सकती है कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनेगा, कितना बड़ा बनेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और ये ट्रीटी दोनों कंट्रीज की नेगोशिएट किसने करी थी? वर्ल्ड बैंक ने। नाउ इंडिया में अगर हम देखें तो इस ट्रीटी को ना काफी बार लोग कहते हैं
जवाहरलाल नेहरू का छठा ब्लंडर, ऑफ कोर्स ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ पूरा कंट्रोल जो बहुत बड़े आलोचक हैं जवाहरलाल नेहरू के, वो कहते हैं कि नेहरू ने वैसे ही बड़े ब्लंडर कर दिए थे। चाइना वॉर हो गई, जिस तरीके से चाइना ने एक्साइजन कब्जा लिया था, उसके पहले पीओके कब्जा चुका था पाकिस्तान, फिर यूएन की जो परमानेंट सीट है वो वहां से निकल गई, कई और ब्लंडर कहते हैं नेहरू के थे। तो जवाहरलाल नेहरू के जो बहुत सारे आलोचक थे वो काफी बार कहते थे कि नेहरू का छठा ब्लंडर है इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि जो उदारता इंडिया ने यहाँ पर दिखाई वो दिखाने की आवश्यकता थी नहीं, इंडिया का अपर हैंड था, हम चाहते तो और ज्यादा कड़ी शर्तों पर ये ट्रीटी बनवा सकते थे। मगर सबसे ज्यादा सैड बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी ना इंडिया की जेनरोसिटी एक्नॉलेज नहीं करी। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जितने डैम इनको चाहिए थे पानी को स्टोर करने के लिए, अपनी आबादी को पानी प्रोवाइड करने के लिए, ये प्रॉपरली बनाए नहीं है। और इंडिया ने इन डैम्स की कमी कभी पाकिस्तान को खलने नहीं दी, क्योंकि इंडिया की तरफ से पानी की सप्लाई की कभी प्रॉब्लम थी नहीं पाकिस्तान को। मगर अब फाइनली 2023 में इंडिया ने एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को, और ये कहा है कि 90 डेज के अंदर ढंग से रिप्लाई करो, नहीं किया तो हम इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव कर देंगे, और ये बदलाव करने का हक हमको है। इंडिया ने यहाँ पर कोड भी किया है ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इसके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है कंचन गुप्ता की। कंचन गुप्ता सीनियर एडवाइजर है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया ने लगातार पानी प्रोवाइड किया पाकिस्तान को ट्रीटी के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर रहा इंडस वाटर ट्रीटी का, चाहे वॉर हुई हो या फिर कुछ और इंसिडेंट हुआ हो। मगर हाल ही में जो पाकिस्तान ने किया है वो देखते हुए हमें कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने खुद ही ट्रीटी तोड़ी है, और इसलिए हम पाकिस्तान को 90 डेज का टाइम दे रहे हैं, अपनी गलती सुधार लो, नहीं तो आप मान के चलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव होके रहेगा। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया, आई मीन क्या हम यहाँ पर आतंकवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान बहुत लंबे समय से कर रहा है, ये कोई सडन कोई अकरेंस नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर केस में हमने आतंकवाद जंग इस सब की बात ही नहीं करी। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि जी आप आतंकवाद करते हो, नहीं, हमने एक बहुत ही रीजनेबल बात उठाई है। इशू क्या है कि इंडिया ना अपनी साइड की जो नदियां हैं वहां पर दो बड़े प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक बन चुका है दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो है किशनगंगा प्रोजेक्ट, दूसरा है राठले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इधर आप देख पाओगे दोनों प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर यूटी में। किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट एक 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 5,700 करोड़ रुपए लगे हैं इसको बनाने में, ये इनॉग्रेट कर दिया गया था 2018 में। और फिर जो राठले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी 5,200 करोड़ रुपए में बनेगा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं, और इन दोनों प्रोजेक्ट से फायदा किसका होगा, कश्मीर के लोगों का होगा, उनको बिजली मिलेगी, एग्रीकल्चर करने के लिए पानी मिलेगा, और कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट जब बनता है तो आसपास का जो एरिया है ना वो भी डेवलप होता है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब पाकिस्तान का कहना ये है कि इंडिया ये दोनों प्रोजेक्ट बना कर ना पानी का जो फ्लो है पाकिस्तान को ये कम कर देगा। इनका डर ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट इंडिया ने गलत तरीके से बनाए हैं। अब इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि अगर आपको इसको लेकर कुछ आपत्ति है आप हमसे बात कर सकते हैं, दोनों मिल बैठकर इस ट्रीटी के अंदर प्रावधान है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हालांकि इंडिया ने कहा है कि इस डैम की हाइट, इस डैम का वॉल्यूम, जो भी यहाँ पे इस डैम की कंस्ट्रक्शन हुई है ये इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से करी गई है, कोई यहाँ पर पर्टिकुलर वायलेशन नहीं हुआ ट्रीटी का। मगर पाकिस्तान इंडिया की बात सुनने को तैयार नहीं था, और 2015 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हमको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास चला गया और कहा कि हमको न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, जो यहाँ पर प्रावधान है इंडिया हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। और उसके अलावा साथ में पाकिस्तान ने यह भी कहा बाद में कि हमको एक अलग से आर्बिट्रेशन चाहिए, मतलब कि एक अलग से जज बैठेगा, वो बताएगा कि इस केस में कौन सही है, ये प्रोजेक्ट बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि जो ये 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है ना इंडिया तोड़ दे। तो अब इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही यूनिलैटरल एक्शन उठा लिया, ट्रीटी में तो ये कोई प्रावधान था नहीं कि अलग से जज बैठेगा, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा जिसका ट्रीटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है द यूनिलैटरल एक्शन बाय पाकिस्तान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ग्रेडेड मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट एनवेस्ट बाय द आर्टिकल 9 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। Accordingly, India made a separate request for the matter to be referred to a neutral expert. यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है
पाकिस्तान के जो ये एक्शंस हैं हैव एडवर्सली इंपिंज्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्स इंडिया टू इशू एन एप्रोप्रिएट नोटिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। हालांकि जब पाकिस्तान एक बार को बिल्कुल हेलबेंट हो गया कि हमको आर्बिट्रेशन चाहिए, अलग से कोर्ट बैठेगा इसको लेकर, इंडिया ने भी बाद में कहा था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए, मगर अब ना इंडिया कह रहा है कि यू नो आपने इस ट्रीटी का ना मजाक बना के रख दिया। बिल्कुल ठीक है, आप इस ट्रीटी के हिसाब से कुछ काम कर नहीं रहे हो, और अगर आप इस ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप इस संधि की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ठीक है हम संधि को बदलते हैं, फिर से बैठ के बात करते हैं कि कौन सी नदी किसको मिलेगी, कितना पानी किसको मिलेगा, लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इंडिया ने कि पाकिस्तान ने खुद ही वायलेट कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी, 90 दिन दे रहे हैं, ये जो सारी डिमांड है जज वगैरह की, ये जो प्रोजेक्ट तोड़नी है, ये सारी डिमांड खत्म करो, नहीं खत्म करोगे तो तैयार रहो, ये 60 साल से भी पुरानी ट्रीटी बिल्कुल बदली जाएगी। और आप ऐसे सोचो ना तो इंडिया ये जो स्टेप है ये 2018-2019 में ले सकता था, मगर हमने पेशेंस रखी, हमने पहले तो पाकिस्तान को टाइम दिया। अब उसके अलावा ना इंडिया का जो अभी है जो स्टेप है इस वक्त 2023 में, इसकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे आएगा मैसिव प्रेशर। प्रेशर क्या आएगा, पाकिस्तान में इलेक्शन करीब है, इमरान खान आज के समय प्रेशर डाल रहे हैं करंट गवर्नमेंट पे कि तुमसे बात संभल नहीं रही, मैं संभालता हूं देश को। अभी रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान में मैसिव ब्लैकआउट भी हो गया था, तो करंट गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की वो वैसे ही प्रेशर में है, लोग समझते हैं कि आर्मी ये गवर्नमेंट पावर में लेके आई है और इनसे बात संभल नहीं रही। और अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को भी बदल देता है तो आप कह लीजिए करंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। उसके अलावा देखिए पाकिस्तान के पास आज के समय ज्यादा ऑप्शन है नहीं, ये बाकी कंट्री से इतनी हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि इनकी करेंसी वैसे ही बहुत ज्यादा गिर चुकी है, ये दुनिया भर से लोन मांग रही है अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। रिसेंटली आपने देखा होगा एक ही दिन में हिस्टोरिक डाउनफॉल आया था पाकिस्तानी करेंसी का, पाकिस्तानी करेंसी आज के समय आराम से 250 रुपीज पर डॉलर के आसपास जा रही है और बहुत ही जल्द ये 300 का आंकड़ा भी तोड़ देगी। फिर ये भी मत भूलिएगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी है, पाकिस्तान तालिबान ने रिसेंटली एक खुद की सरकार बना ली है विदिन पाकिस्तान। यार मुझे पाकिस्तान की समझ नहीं आती तीसरे बंदे को बीच में लाना, जैसे अभी पिछले दिनों बात हुई यूएई की बात करें, हाँ। बीच में लेके आए कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए, आप बीच में आओ, यार मसला आपस में है, लड़ाई आपस में है, सब कुछ आपस में है, लेकिन बात तीसरा करे यार, इतने कमजोर हो गए आप खुद ज्यादा बात नहीं कर सकते या बोल सकते, इंडिया बात करना भी चाह रहा है, हाँ वो करना भी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान बातचीत के लिए मानेगा क्योंकि ये इश्यू तो 2015 का है, तब से चला आ रहा है और अब तक उन्होंने टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं की या कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बातचीत करने के लिए राजी होंगे। और अभी के समय में तो बिल्कुल ही नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है और आपको तो पता है कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। अगर ये मान गए बैठ के बातचीत करने के लिए और कुछ अग्रीमेंट्स में चेंजेस होते भी है तो फिर इमरान खान चढ़ बैठेगा कंटेनर्स पे और हल्ला कर देगा। और जहाँ तक बात रखी इस ट्रीटी की, तो हमने तो बहुत ही लिबरल तरीके से उन लोगों को पानी की छूट दी थी और कई रिवर्स पे उनको कंट्रोल भी पूरा पूरा दिया था कि वो जो पानी का फ्लो है वो उनकी तरफ आएगा और उससे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर या पानी की ज़रूरत है वो उससे पूरी की जा सकती है, और जिस पे हमारा कंट्रोल है उस उनमें भी उनको हक दिया है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और बातचीत करके उसका हल भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये डैम्स है जो हमने दो बना एक बना दिया है और एक पे काम चल रहा है, वो तोड़ने की बात तो ये तो हंसने वाली बात है। अगर कोई कंट्री 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रही है वो भी इस ट्रीटी का कोई वायलेशन किए बिना और फिर भी आप उसको तोड़ने की बात करें तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। और उनके तरफ तो उन्होंने डैम्स पे कोई काम किया ही नहीं, अगर वो चाहते तो उनकी साइड पे वो डैम्स बना सकते थे, उससे पानी का भी मसला नहीं होता और बिजली तो प्रोडक्शन भी वहाँ बढ़ता, जो ब्लैकआउट हो रहे हैं वो भी नहीं होते। एक बार मुझे पता है कि एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे डैम बनाने के लिए, लेकिन जब पैसे आ गए तो वो पैसे लेके देश से भाग गए। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।